नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो में प्याज के आज के ताजा भाव का अपडेट लेकर। तो आज जानेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कैसे क्या है प्याज के बाजार, कितनी गाड़ियों की आवक है, ग्राहकी कैसी देखने को मिले, और किसान भाइयों प्याज के निर्यात बंद होने से जो है प्याज के भाव पर क्या फर्क पड़ा है, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। तो चलिए किसान भाइयों, आज जान लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज के रेट कैसे क्या है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे प्याज निर्यात बंद होने के। किसान भाइयों, प्याज निर्यात 8 दिसंबर से केंद्र सरकार ने जब से बंद किया है, प्याज के भाव में लगातार जो है गिरावट जारी है। किसान भाइयों को उतने दाम नहीं मिल पा रहे हैं जितने दाम उनको मिलना चाहिए। बहरहाल किसान भाइयों, किसान भाई अब जो है लगातार मंडियों में आवक भर भर के पहुंचा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लगा है कि प्याज के भाव जो है और ना डाउन हो जाएं, तभी जो है हमारे किसान भाई लगातार मंडियों में जो है आवकें भर भर के जो है पहुंचा रहे हैं। किसान भाइयों, घबराने की कोई बात नहीं है, केंद्र सरकार की तरफ से कोई ना कोई अपडेट जरूर निकल के आएगा कि जो है प्याज के निर्यात कब से चालू किए जाएँ और कब से खोले जाएँ। किसान भाइयों, बहरहाल सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है प्याज के निर्यात को लेकर कि जो है केंद्र सरकार 2 लाख मीट्रिक टन जो है प्याज खुद खरीदेगी और इससे क्या होगा कि हमारे किसान भाइयों को कुछ ना कुछ जो है प्याज के भाव ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। बहरहाल किसान भाइयों, इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज निर्यात बंद होने से जो है प्याज भाव लगभग 70% जो है डाउन हो चुके हैं। किसान भाइयों, आज जो पुणे और नासिक के प्याज हैं किसान भाइयों, वो 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति मन के हिसाब से बिकने को मजबूर हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों, प्याज निर्यात बंद होने से नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, कई देश ऐसे हैं जो इस समय प्याज की मांग कर रहे हैं भारत से कि आप जो है प्याज के निर्यात को दोबारा से चालू कर दीजिए ताकि आपके किसान भाइयों को उनके जो है प्याज के भाव ठीक ठाक देखने को मिल सकें। किसान भाइयों, इस समय जो पोजीशन प्याज के भाव की बनी हुई है मंडियों में बहुत ही ख़राब बनी हुई है। किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाइयों को भाव मिलने चाहिए वो भाव नहीं मिल पा रहे हैं किसान भाइयों, क्योंकि इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में अगर बढ़िया टॉप क्वालिटी के प्याज हैं तो आपके बहुत ही खींच कर वो लगभग 1050 रुपये प्रति मन के हिसाब से, अगर मीडियम साइज और गोल्टा गोल्टी प्याज हैं वो लगभग 500 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति मन के हिसाब से इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज के भाव हैं किसान भाइयों। अगर हम आवकों की बात करें तो जैसा कि किसान भाइयों, लगभग आज आवक राजस्थान और केरल के जो नए प्याज के कट्टे वो पहुंचे हैं, 10,000 से 11,000 नए प्याज के कट्टे पहुंचे हैं किसान भाइयों।